हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अभी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल आइलैंड्स खेल रहे हैं। मुझे ये गेम बहुत पसंद है और मैं इसकी सर्वाइवल सीरीज़ बंद कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे इस गेम को अच्छी तरह खेलने आता है, इसलिए मुझे सर्वाइवल सीरीज़ खेलने में थोड़ा बोर लगता है। फ़िलहाल हमें शुगर कैन तोड़ने के बाद ऊपर नहीं नीचे वाला तोड़ना चाहिए। फिर इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। अब हमें इस ट्री के पेड़ को तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने इस ट्री की छह लकड़ियां तोड़ ली। अब ये ट्री धीरे धीरे इसकी पत्तियां झड़ने लगेंगी। देखिए सामने मेरे एक झरा, झरते झरते इससे पत्ते और सेब निकलेंगे, एप्पल्स और ट्री के सैपलिंग्स, तो उन्हें मैं लगाऊंगा। फिलहाल इससे एक क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं। और इसे यहाँ पे प्लेस करते हैं और इसमें स्टिक बनाते हैं। स्टिक से एक स्टोन की पिकेक्स बना लेते हैं। एक शवल की भी ज़रूरत पड़ेगी। और माइनिंग के लिए किस प्लेस को चुनूं? पानी के साइड, इस साइड, ये साइड माइनिंग करेंगे हम। दो ब्लॉक्स की जगह में, दो ब्लॉक्स नहीं, अच्छा दो ब्लॉक्स नहीं, एक ही ब्लॉक की जगह में माइनिंग करना ठीक रहेगा। तो मुझे खोदते खोदते यहाँ पे कॉबल स्टोन मिल चुका है और इससे मैं माइन करूँगा कॉबल स्टोन को। पहले इसके साइड के एरिया को तोड़ लेते हैं, इस सैंड को भी। यार यहाँ पे सैंड है, साइड से खोदना चालू करते हैं। फ्रेंड्स कॉबल स्टोन्स की ज़रूरत है अभी, कम से कम 9 कॉबल स्टोन्स। 9 कॉबल स्टोन से फर्नेस बनता है। अंधेरा हो गया है बहुत, बट उससे कोई दिक्कत नहीं। 10 तो हो ही गए, लेकिन मुझे स्टोन के वेपन्स बनाने के लिए भी कबल स्टोन्स की ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा और तोड़ लेता हूँ। और टॉर्च बनाने पड़ेंगे मुझे चारकोल के। चारकोल बनाने के लिए वुड लगता है, लेकिन वो फर्नेस में बनता है चारकोल, इसलिए पहले फर्नेस बना लेते हैं। 6 कबल स्टोन्स बच गए मेरे पास। वुड से चेस्ट भी बना लेते हैं। ये रहा चेस्ट, और चेस्ट को यहाँ प्लेस कर देते हैं। इसमें हम सामान रखेंगे। अब चलिए अपने इन्वेंट्री को स्टोन वेपन से भर देते हैं। एक स्टोन की स्वॉर्ड, एक एक्स, स्टोन्स ख़त्म। और फर मेरे पास तो वुड भी नहीं है। क्या क्या है, ये सब चीज़ें होती हैं इसमें, क्राफ्ट करके देखेंगे बाद में। पत्तियाँ, ओ एक सैपलिंग भी गिरा है यहाँ पे, सैपलिंग, और एक यहाँ पे भी गिरा है। और वो स्क्विड्स हैं, उन्हें मारने चलते हैं। उनसे मिलता है इंक सैक। ये एक शिप रैक है, इसे एक्सप्लोर करेंगे लेकिन किसी और एपिसोड में। पहले इसे मारते हैं। अरे यार इंक सैक मिल गया। इंक सैक की ज़रूरत है मुझे, इसलिए मैं इंक सैक ले लेता हूँ। और अभी हम फर्नेस को एक जगह पे लगाएंगे और सैपलिंग्स को भी लगाएंगे। फर्नेस को यहाँ पे लगाना ठीक रहेगा। और सैपलिंग किधर है? सैपलिंग ये रहा सैपलिंग, इसे लगा देते हैं यहाँ पे। और एक सैपलिंग को, एक मिनट, यहाँ पे लगा देते हैं। किधर? यहाँ पे। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पे एक सेंड कम हो गया है,
और अब हम वेट करेंगे पेड़ के उगने का, और रात होगा तो मॉन्स्टर्स को मारेंगे। तब तक माइनिंग भी करते हैं, लेकिन देखता हूँ माइनिंग में कोल मिलता है कि नहीं। फ्रेंड्स, मैंने कोल को खोजने की कोशिश की, लेकिन नीचे बहुत अंधेरा हो गया था। लेकिन मैंने कबल स्टोन्स खोद लिए, और इनसे अब स्टोन की पिकेक्स बना लेंगे, 1, 2, 3। और जो फालतू का सामान है, जैसे कि ये, इसे अंदर रख देंगे, इसे अंदर रख देंगे। और यहाँ पे रात हो रही है, मॉन्स्टर्स निकलेंगे। एक और सैपलिंग और स्टिक गिरी, अभी मॉन्स्टर्स निकलेंगे, उनसे हमें फाइट करनी पड़ेगी। सो भी नहीं सकता हूँ मैं। फ्रेंड्स, अभी तक तो एक भी मॉन्स्टर स्पाउन नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इजी मोड करके रखा है। देखता हूँ, इजी मोड ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास उतने साधन भी नहीं हैं कि हम लड़ सके मॉन्स्टर से। अगर मेरे पास शील्ड होता, टॉर्चेज होती, आर्मर होता, तो मैं पक्का अभी हार्ड मोड करके रखता। जब हमारे पास ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो मैं हार्ड मोड करके रखूँगा। ये सैपलिंग भी तो नहीं उग रहा है यार। चलो, कम से कम एक स्केलेटन भी स्पॉन हो जाता, तो उससे उसको मार के जो बोन भी मिलता, उससे कुछ करता मैं। ओ, मैंने सोचा वाटर रूम भी है, ये डॉल्फिन है। ओ, वाटर रूम भी आ रहा है, देखो वाटर रूम भी। आ जा भाई, आ जा, तू ही आ जा, आ जा। चलो, एक वाटर रूम भी कम से कम स्पॉन हुआ है, अच्छी बात है। आ जा भाई, तू आ जा, यहीं पे तुझे मारूंगा। आ जा, जल्दी आ, तुझे ऊपर आने ही नहीं दूंगा मैं, पहली बात। हो गई, निकल गई तेरी भैंस की टैट। यहाँ पे हमने अपना पहला मॉन्स्टर को मारा है, जिससे हमें मिला है एक रोटेन फ्लैश। और भी मॉन्स्टर्स आ सकते हैं, समुद्र में ही चलते हैं। मछलियों को मारता हूँ। चलो, एक मछली को मार दिया मैंने। मछली मिली क्यों नहीं मुझे? किधर है मछली? ओ, ये रही, ये एक मछली मुझे मिल चुकी है। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ, कब दिन होगा, कब ये पेड़ बड़ा होगा। एक और सैपलिंग मुझे मिला था, उसे मैंने यहाँ पे लगा दिया। और एक सैपलिंग यहाँ पे, और ये तो उग ही नहीं रहा। हो सकता है इससे मुझे एक सीड मिल जाए, लेकिन इस घास को मैं बड़ा होने देना चाहता हूँ, क्योंकि बड़े घास से ही सीड मिलता है। फ्रेंड्स, जब तक दिन नहीं हो जाता, तब तक मैं वीडियो को पॉज करके रखता हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आसपास थोड़ा घूम रहा था, तो मुझे एक ओशन मोन्यूमेंट और एक और आइलैंड दिखा। मुझे इसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एल्डर गार्डियन रहता है, जो मुझे स्लोनेस और डैमेज कर सकता है। पता नहीं, मैं भूल गया हूँ इसके बारे में, बहुत दिनों से मैं ओशन मोन्यूमेंट में नहीं गया हूँ। क्योंकि ये एक आइलैंड है, यहाँ पे शुगर कैन है, यहाँ पर से मैं शुगर कैन लेना चाहता हूँ। अभी तक दिन नहीं हुआ है, मैं खो भी जाऊंगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरे पास मैप क्रिएटेड है। बट मुझे आइलैंड सामने दिख रहा है। जल्दी जल्दी चल यार। फ्रेंड्स, मैं अपने आइलैंड पे आ चुका हूँ, और मैं वेट कर रहा हूँ कब दिन होगा। इतने देर से रात है यहाँ पे, कब दिन होगा मैं वेट कर रहा हूँ, दिन हो ही नहीं रहा है। तब तक चलिए, मैं उस आइलैंड से जो शुगर केन लाया था, उससे उगाते हैं। 4 शुगर केन है मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 4 शुगर केन और मैंने लगा दिए यहाँ पे। टोटल 6 शुगर केन है, अभी बड़े होंगे ये, तो इससे शुगर बनाएंगे और पेजेस बनाएंगे। वैसे मुझे जहाँ तक पता है, यहाँ पे
कहीं बहुत दूर, कम से कम 7-8 हज़ार ब्लॉक दूर एक और आइलैंड है, और उस आइलैंड पे एक सवाना विलेज भी है। वहाँ पर से हम विलेजर को लाएंगे और उससे ट्रेडिंग करेंगे। बट इसे होने में 2-4 एपिसोड्स लग सकते हैं फ्रेंड्स, और मैं अभी अपना घर नहीं बनाऊंगा। मुझे टॉर्चेस की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, टॉर्चेस की। टॉर्चेस मेरे पास होते तो मैं माइनिंग भी करता। मैं माइनिंग यहाँ पे कर रहा हूँ, इस जगह पे बहुत अंधेरा है, यहाँ पे बहुत अंधेरा है, यहाँ पे कुछ दिखेगा भी नहीं, इतना अंधेरा है। ऊपर चलते हैं। ये है अपना नॉर्मल वर्ल्ड, दिन होने का वेट कर रहा हूँ अभी भी, अगली बार दिन होने पे मैं मिलता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे सूर्य उग रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सूर्य उगने में कितना अच्छा लगता है। और ये देखिए सामने वाला आइलैंड, एक बार देख लीजिए माइनक्राफ्ट में सूर्य उगने का नज़ारा। धीरे धीरे दिन होगी और दिन होने पे ट्रीज भी उगना चालू हो जाएंगे। ये देखिए सूरज निकल रहा है धीरे धीरे। फ्रेंड्स अगर आपको ये नज़ारा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। ये सीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा ही आ रहा है देख के, एक अलग ही मज़ा। चलिए सूर्य पूरा निकल गया, ये नज़ारा बहुत अच्छा था। इधर तो दिन है और इधर शाम जैसा क्यों लग रहा है यार, क्या है ये, माइनक्राफ्ट है या क्या है? ओ एक पेड़ निकल भी गया, और इसके ऊपर ये क्या है, इसे शायद वाइन्स कहते हैं, बट मेरे पास शियर्स नहीं है। तो चलिए इस पेड़ को काटते हैं और इससे हम अभी बनाएंगे चारकोल। वैसे मेरे पास वुड प्लैंक्स नहीं है, वुड प्लैंक्स मैंने बना लिया, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, और इससे निकलेंगी चीज़ें अभी, उन्हें भी हम लेंगे। अब तक शायद चार कोल्स बन गए होंगे, 3-4 कोल्स बन गए हैं, और मुझे अभी एप्पल मिला। एप्पल के सिवा कुछ नहीं मिला, सैपलिंग अब तक नहीं मिला है इससे एक भी। एक सैपलिंग तो दे दे, सैपलिंग ये नहीं देगा क्योंकि ये गवार पेड़ है। चलिए 4 चारकोल्स बन चुके हैं, और फिर से दिक्कत हो गई एक। मेरे पास एक ही वुडन प्लैंक बचा है जिससे मैं स्टिक नहीं बना सकता, स्टिक नहीं होगा तो फिर टॉर्चेस नहीं बनेंगे। फ्रेंड्स मैंने ध्यान से देखा नहीं, मेरे इन्वेंट्री में स्टिक्स हैं और इनसे 16 टॉर्चेस बन गए, और अभी हम माइनिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टॉर्च लगा देता हूँ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे लाइट अप हो गया। अब माइनिंग शुरू करते हैं, मुझे कोई चीज़ मिलेगी तो मैं पाउस रेसम कर दूंगा। फ्रेंड्स मैंने थोड़ी सी माइनिंग की और मुझे कोल मिल गया, देखिए कोल, मुझे बहुत खुशी हो रही है कोल को देख के, बहुत सारा कोल है, मज़ा आ गया। 51 पोजीशन है ये, 51 पोजीशन पर हैं हम। लाइट अप कर देता हूँ। ओ और भी कोल है यहाँ पे, 5 कोल्स और हैं यहाँ पे, मज़ा ही आ गया फ्रेंड्स, कोल मिल गया। अब अपने आइलैंड को लाइट अप कर देते हैं आइलैंड पे, ताकि मॉन्स्टर्स ज़्यादा स्पाउन ना हो। हो भी जाएंगे तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं नॉर्मल मोड कर दूंगा, लाइट अप कर देते हैं आइलैंड को थोड़ा। फ्रेंड्स मैंने आइलैंड्स में, इस आइलैंड में टॉर्च लगा दिए हैं, और अभी माइनिंग जारी रहेगी, और मैं आगे चल के एक प्लेटफॉर्म भी बनाऊंगा जहाँ पे मोब स्पाउन होंगे और हम उन्हें मारेंगे।
अभी तक एक और ट्री नहीं उगा है, इससे पहले मैं हार्ड मोड कर लेता हूँ। हार्ड नहीं, हम करेंगे नॉर्मल मोड, क्योंकि हमारे पास उतने अच्छे वेपन्स और आर्मर ही नहीं है। ओ, एक और ट्री उग गया यहाँ पे। यार मेरे पास शीयर्स नहीं है, नहीं तो मैं इन्हें गैदर कर लेता, ले लेता। हाँ चलो, एक सैपलिंग यहाँ पे गिरा है। तो चलिए, अब वुड्स का क्या करना है, कंपोस्टर बनाना है। एक कंपोस्टर के लिए क्या क्या लगता है पहले देख लेता हूँ कि इधर है कंपोस्टर। यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं कंपोस्टर, ये रहा कंपोस्टर। 7 स्लैब्स लगेंगे इसके लिए। पहले वुड्स बना, वुड प्लैंक बना लेते हैं। ये 6 स्लैब्स हो गए हैं। स्लैब किधर है यार? ये रहा स्लैब और ये रहा कंपोस्टर। कंपोस्टर मेरी इन्वेंट्री में है और इस कंपोस्टर को यहाँ प्लेस कर देते हैं। और अब मैं इसमें क्या करूँगा, इससे मैं बोन मिल बनाऊँगा। और बोन मिल बनाऊँगा कैसे, आपको दिखा देता हूँ। ओ यार मेरी हंगर बार बहुत कम हो गई है। ये रहा एप्पल, इसे खा लेता हूँ। और मछली पकाते हैं। चलिए यहाँ पे कोल कोल कुछ ज़्यादा हो जाएगा, स्लैब रख देते हैं। और इसे, चलो ठीक है, कुक हो जाएगा ये, उसके बाद इसे खाएंगे हम। ये रहा राव कोड, रॉ कोड, सॉरी कुक्ड कोड, कुक्ड कोड है ये। और थोड़ी और मछलियाँ मारने और कैल्प तोड़ने चलते हैं। कैल्प किधर है? कैल्प, ओ ये रहा कैल्प इधर, बहुत सारा कैल्प है। कैल्प के लिए, को तोड़ने के लिए डुबकी लगानी पड़ेगी पहले, और नीचे से तोड़ना पड़ेगा। इसकी एक लाइन छोड़ देना चाहिए ऐसे करके। चलो एक लाइन छूट गई है, और धीरे धीरे करके सब ऊपर चल जाएगा। धीरे धीरे सारे कैल्प्स ऊपर आ जाएंगे। मुझे कुछ भी करना है, बस अपनी हंगर बार लो नहीं होने देनी है। लो होने से मैं मर भी सकता, और मेरे पास खाने का इंतज़ाम नहीं है। ओ ये रही मछलियाँ, इन्हें मारते हैं। चलिए, मेरी स्वॉर्ड की इतनी ज़्यादा बुरी हालत किसने की यार? मैं स्वॉर्ड इतना ज़्यादा कैसे ड्यूरेबिलिटी कम हो गया। ओए मछली इधर आ, मछली मछली इधर आ। नीचे जोम्बिस भी हैं। ओ नो, मैं भी लूमड़ बनती कर रहा हूँ इस गेम में। मेरे पास 31 कैल्प भी हैं। चलिए इन्हें कंपोस्ट करते हैं। थोड़ी सी लूमड़ बनती के लिए माफ़ कीजिएगा। चलो एक बोन मील आ गया, अब इससे ट्री को उगाते हैं। इस ट्री को, यार कैसा मक्कार पेड़ है ये, अभी तक उगा नहीं। मैं थोड़ी और कैल्प जमा करने के बाद मिलता हूँ। फ्रेंड्स, मैं अभी समुद्र से इतनी सारी कैल्प्स लाया हूँ, और इन कैल्प्स को यहाँ पे कंपोस्ट करना पड़ेगा। बस कंपोस्ट करते जाओ, कुछ सोचो नहीं। बोन मील मिलेगा, इससे मिलते जाएगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मुझे 3-4 बोन मील्स आराम से मिल जाएंगे। पांच बोन मील्स हैं, 6 बोन मील्स हैं। यार कितना बोन मिल चाहिए तुझे यार, ये तो अभी तक बड़ा ही नहीं हुआ है। चलो बड़ा हो गया ये भी, अब एक इसे दे देता हूँ। यार ये इसकी ग्रोथ में रुकावट आ रहा है, इसे काट देते हैं इस पेड़ को।
इस पेड़ को काट दिया। अभी रात का माहौल है, देखिए मेरा आइलैंड कितना लाइट अप हो गया है। शुगर कैन अभी तक नहीं उगे हैं, एक सैपलिंग मिल गया। और क्या कर सकता हूँ मैं, कोबल स्टोन है, कोल है। फ्रेंड्स तो चलिए रात भर माइनिंग करूँगा मैं, अब इस माइनक्राफ्ट के रात के मुताबिक माइनिंग में मुझे कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी तो मैं आपसे मिलता हूँ। फ्रेंड्स मेरे पास कोल है तो मैंने सोचा कि मैं एक कैंप फायर बना लेता हूँ। कैंप फायर में खाना कुक करने के लिए इसमें मछली पकाएंगे हम, और इसमें खाना कुक करने के लिए फ्यूल नहीं लगता, इससे लाइट अप भी हो जाता है, ये इसकी अच्छी बात है। सामने एप्पल गिरा है, फटाफट एप्पल को खा लेना चाहिए। और टॉर्च बनाने के बाद माइनिंग करेंगे हम, माइन में मैं आपसे मिलता हूँ। फ्रेंड्स मुझे माइन में 43 पोजीशन पे कोल मिला है, तो इससे मैं माइन कर रहा हूँ। अभी मुझे कोल मिला इसलिए मैं आपको वीडियो में माइन करके दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स तो मैंने आखिरी कोल को भी माइन कर लिया। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पर ग्रेवल है और नीचे जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि नीचे डायमंड मिलेगा और मैं चाहता हूँ इस वीडियो में मैं डायमंड खोज लूँ, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में तो मुझे डायमंड मिल ही जाएगा और मुझे थर्ड फोर्थ वीडियो तक घर बनाना पड़ेगा। मेरी थर्ड या फोर्थ वीडियो तक मैं घर बना लूँगा। फ्रेंड्स तो मुझे यहाँ पे आयरन मिल चुका है और मैं अभी इससे शियर बनाऊँगा इससे स्मेल्ट करने के बाद। बहुत अच्छी बात है मुझे आयरन मिल गया। और ये क्या है, इस ब्लॉक का नाम मेरे मुताबिक से डायोराइट है इस ब्लॉक का नाम। बस मैं सीधे खोदते जा रहा हूँ, मेरा लक्ष्य है कि मैं 12 पोजीशन तक पहुँचूँ। 12 पोजीशन पे पहुँचने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। फ्रेंड्स मैं इस वक्त 16 पोजीशन पे हूँ और मुझे आयरन मिला है। पांच आयरन टोटल मुझे मिले हैं। तो फिर अभी मैं 12 पोजीशन तक माइनिंग करूंगा, 12 नहीं इससे भी नीचे, जब तक बेडरॉक नहीं मुझे मिल जाता। जब तक बेडरॉक नहीं मिल जाता तब तक माइनिंग करते रहना है। वैसे मैं 12 पोजीशन पे तो आ गया हूँ, बट डायमंड इतनी आसानी से थोड़ी ना किसी को मिलता है। और मुझे जहाँ तक पता है सर्वाइवल आइलैंड में एक माइनशाफ्ट भी है। माइनशाफ्ट क्या होता है, अगर आप माइनक्राफ्ट खेलते हैं तो आपको पक्का पता होगा माइनशाफ्ट क्या होता है। कितनी नीचे तक है यार ये ग्रेवल, कितनी नीचे तक है, कितनी नीचे तक है ये ग्रेवल, जरा देखें। यार फिर से ग्रेवल आ गया, बहुत ग्रेवल है इस रास्ते पे, उतना भी नहीं लेकिन मैं 6 पोजीशन तक पहुंच चुका हूँ, 5, और ये बेड रॉक आ गया। तो चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको कितनी दूर तक मैंने माइनिंग की, आप बस देखते रहिएगा। ओ यहाँ पे कबलस्टोन है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी मेहनत को देख के खुशी हो रही है तो फिर फटाफट मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।
अरे यार बारिश हो रही है अभी, क्या बात है, अभी तक पेड़ बड़े नहीं हुए, क्या बात है, वाह। ये चीज़ें हैं मेरे पास, मुझे आयरन भी मिल चुका है, तो इसे स्मेल्ट करने के बाद इसे टूल बनाते हैं इससे। चलिए फ्रेंड्स, तो एक आयरन की पिकेक्स बनाते हैं पहले। ये रहा आयरन का पिकेक्स, और आयरन स्मेल्ट हो चुका है, दो आयरन स्मेल्ट हो चुके हैं, और अब बनाएंगे एक आयरन की स्वॉर्ड। तो चलिए, इस एपिसोड में मैंने बहुत कुछ कर लिया, आयरन भी खोज लिया हमने इस एपिसोड में, इतने कॉबल स्टोन्स भी हैं मेरे पास। एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करूँगा मैं इस गेम में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा गेम प्ले पसंद है, आप मुझे लाइक करते हैं, तो फिर इस चैनल को भी लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। हैव एनी डाउट्स तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स, गुड बाय।